पेश है हिंदी जबान में अपडेट। जिस समय भारतीय सशस्त्र बलों की चर्चा की जाती है, इसका तात्पर्य नैतिकता का नितांत अभाव होता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में महिला सैनिक अधिकारियों को यौन रूप से आतंकित करने का कल्चर व्याप्त है। यहां तक कि भारतीय सैन्य महिला अधिकारियों को भी भ्रष्ट भारतीय सशस्त्र बलों के हाथों यौन आतंक का सामना है। अभी हाल ही में केंद्रीय आरक्षित पुलिस फोर्स के कमांडेंट सुरेंद्र सिंह को जम्मू के एक शिविर में एक महिला अधिकारी को यौन रूप से आतंकित करने के लिए गिरफ्तार किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के विरुद्ध यौन आतंक से संबंध कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। भारतीय सशस्त्र बलों के मध्य यौन आक्रमण से त्रस्तों को कदाचित ही कोई न्याय मिला है। कश्मीरी महिलाओं को भारतीय यौन आतंकवादी सशस्त्र बलों के हाथों निरंतर यौन आतंक की समस्या का सामना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 11,000 से अधिक यौन अपराध के केसों की रिपोर्ट मिल चुकी है।